हे गाइस, मैं हूं सचिन निगम और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीक्रेट इन्वेजन के बारे में। अब मार्वल के कॉमिक कॉन में तो हमें वो चीज देखने को नहीं मिली जो कि मार्वल की D23 में देखने को मिली, यानी कि सीक्रेट इन्वेजन का ट्रेलर। बस मेरे को ये जानना है कि मार्वल वालों, ये बताओ कि रात के 12 बजे ट्रेलर कौन निकालता है? अब 12 बजे इन द आर्टिस्ट का ब्रेकडाउन क्या करता? इसलिए आज की वीडियो में मैं करने वाला हूं सीक्रेट इन्वेजन के ट्रेलर का ब्रेकडाउन। सो गाइस, मैं हूं सचिन निगम, लेट्स बिगिन दिस वीडियो। सबसे पहले अगर बात करें सीक्रेट इन्वेजन की ना, तो सीक्रेट इन्वेजन एक ऐसी कहानी है जहां पर इविल स्कर्ल्स को दिखाया जाता है, लेकिन मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में इविल स्कर्ल्स के नाम पे हमें कुछ भी नहीं दिखाया गया है। जब कैप्टन मार्वल मूवी के अंदर फर्स्ट टाइम ने स्कल्स देखे थे ना, तभी हमें पता चल गया था कि स्कल्स बहुत अच्छे होते हैं और एमसीयू के अंदर इस कहानी को फॉलो करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि इस सीरीज के अंदर हमें इविल स्कल्स देखने को नहीं मिलेंगे? द आंसर इज नो। इस सीरीज के अंदर आपको दो पार्ट देखने को मिलेंगे स्कल्स के, एक है अच्छे स्कल्स लेड बाय टालोस और एक है बुरे स्कल्स लेड बाय समवन। आपको मैं फोटो लगा के दिखा दूंगा। और यहां पर हम देख सकते हैं दो दल बनने वाले हैं स्कल्स के। एक स्कल का एक अच्छा ग्रुप है जो कि अर्थ की रक्षा करना चाहता है और निक फ्यूरी का साथ देना चाहता है, लेकिन एक स्कल्स का बैड ग्रुप है जो कि अर्थ को टेक ओवर करना चाहता है। अब ये जो टेक ओवर है ना, ये हो सकता है 1980s में ही शुरू हो गया हो, जब कैप्टन मार्वल मूवी आई थी। आपको ये बात ऑलरेडी पता है कि 1980s के अंदर कुछ स्कल्स जो है ना वो धरती पर आए थे जब उसे कैप्टन मार्वल लड़ रही थी। तो ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि कुछ स्कल्स जो थे ना वो उसी वक्त अर्थ पर रह गए हो और उन्होंने डिसाइड कर लिया हो कि भाई अब तो अर्थ को कैप्चर करना है, उनको अपना घर बनाना है। कॉमिक्स में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। कॉमिक्स के अंदर हमने देखा था कि किस तरह से स्कल्स थे ना, उनकी जो दुनिया थी वो खत्म हो चुकी थी और अर्थ को वो अपना सेकंड होम बनाना चाहते थे। तो शायद सीरीज के अंदर ना हमें ऐसे ही कुछ फॉलो होता हुआ देखने को मिल सकता है, जिसके लिए मैं एक्साइटेड हूं। बात करें अगर फ्यूरी की ना, तो फ्यूरी आप यहां पर देख सकते हैं एकदम अलग लुक के साथ हमारे सामने आए हैं। अब एक थ्योरी है यहां पे मैं रखना चाहता हूं, वो ये है कि 2014 के बाद जो भी निक फ्यूरी हमने देखा है ना, वो एक्चुअली में निक फ्यूरी नहीं था, वो एक स्कर्ल था। अब ये चीज तो हमें ऑलरेडी पता है कि स्पाइडरमैन सेकंड के अंदर, यानी कि स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम के अंदर हमने एंड में देख के पता चला कि भाई निक फ्यूरी एक स्क्रल है। लेकिन इसका मतलब ये है कि क्या वो उसी साल स्क्रल बना था? द आंसर इज नो। मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि 2014 से 2015 में एज ऑफ अल्ट्रॉन वाला, 2014 में विंटर सोल्जर वाला जो भी निक फ्यूरी हमने देखा है ना, वो एक स्क्रल था और एक्चुअली वो यहां पर ही था। जब मारिया हिल निक फ्यूरी से पूछते हैं कि इतने सालों से मैं तुम्हें कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रही हूं, तुम इसका जवाब क्यों नहीं दे रहे हो, तो हमें पता चलता है कि निक फ्यूरी बोलता है कि ये इट्स नॉट द सेम। तो यहां पे हमें ये चीज समझ में आती है कि शायद किसी टाइम से तो, कुछ टाइम से तो निक फ्यूरी जो है वो एक स्क्रल था और शायद एक स्क्रल ने निक फ्यूरी को रिप्लेस कर दिया था और उसे पता भी नहीं था। अब आप सोच रहे होंगे कि शो में क्या होने वाला है। मुझे लगता है कि निक फ्यूरी को पता चलेगा कि वर्ल्ड के बहुत सारे हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स जो है ना, उनको स्कर्ल्स ने रिप्लेस कर दिया है और टालस जो है, एमिला क्लार्क का जो कैरेक्टर है, साथ साथ एवरेट रॉस और मारिया हिल इसकी मदद करेंगी ये कॉन्स्पिरेसी को अनफोल्ड करने में। आप सुन सकते हैं जब मारिया हिल और निक फ्यूरी बात कर रहे होते हैं तो निक फ्यूरी बोलता है कि ये मेरी खुद की लड़ाई है। तो हो सकता है हमें इस शो के अंदर ना कुछ पर्सनल एंगल भी देखने को मिले। हो सकता है निक फ्यूरी इस बात से गुस्सा हो कि धरती पर मेरा नाम लेके बहुत सारे गलत काम किए गए और उस चीज का वो बदला लेना चाहता हो। एक सीन के अंदर देख सकते हैं जहां पर वो रोडी से मिलने जाता है, तो वो रोडी से पूछता है कि तुम्हारी सिक्योरिटी कैसी है, क्या तुम्हें उनके बारे में कुछ पता है? रोडी पूछता है कि किस बात की सिक्योरिटी? तो यहां पर हम देख सकते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो मुझे चीज अजीब लगी वो ये है कि निक फ्यूरी की चेकिंग की जा रही है रोडी से मिलने के लिए। आप अगर नहीं जानते तो मैं बता देता हूं, मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में निक फ्यूरी की जो रैंकिंग है बहुत ज्यादा हाई है। तो इस वक्त सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज हो सकती है कि रोडी जो है ना वो अलाउ कर रहा है निक फ्यूरी को उससे मिलने के लिए, और ये जो बंदा इसको चेक कर रहा है ना, इसको ये बात पता है कि निक फ्यूरी शायद इस टाइम फ्यूजरटिव बन चुका है, यानी एक तरह से लॉ को ब्रेक करके यहाँ पे आया है, तो ये मीटिंग हो रही है। अब इस पॉइंट पे मुझे लगता है कि रोडी भी एक स्कल निकल सकता है। अब एक पॉपुलर थ्योरी ये कहती है कि 2010 की आयरन मैन 2 से ही रोडी स्कल है। भाई देखो, सिंपल सी बात है, इस शो में आपको बहुत सारे स्कल्स दिखने को मिलेंगे, बहुत सारे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के हीरो ऐसे हैं जिनको आपको लगता था कि भाई हीरो होंगे, बट वो हीरो नहीं होने वाले हैं। तो हाँ, इस शो के अंदर आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि बहुत सारे स्कल्स देखने को मिल सकते हैं और एमसीयू के बहुत सारे हीरोज ऐसे भी हो सकते हैं जो कि स्कर्ल्स हो। बात करें अगर ओलिविया कोलमैन की कैरेक्टर की ना, तो ये MI-13 की एक मेंबर होने वाली है और आप एक शॉट के अंदर देख सकते हैं कि निक फ्यूरी से बोलती भी है कि तुम अकेले फाइट को नहीं लड़ सकते जो हमारे सामने आने वाली है। तो यहां पर निक फ्यूरी बोलता है कि मेरी खुद की फाइट है। मुझे लगता है कि जो ओलिविया कोलमैन है ना, वो जान जाएगी धीरे धीरे कि उसकी एजेंसी के और साथ साथ वर्ल्ड में बहुत सारे लोग हैं जो स्कर्ल बन चुके हैं और वो एक तरह से इस कॉन्स्पिरेसी को खत्म करना चाहती है। लेकिन निक फ्यूरी जो है ना, वो अपने तरीके से ही स्कर्ल से लड़ना चाहता है क्योंकि वो जानता है कि स्कर्ल्स जो है वो अच्छे होते हैं और बुरे भी होते हैं। शायद ये बात ओलिविया कोलमैन के कैरेक्टर को नहीं पता है और इसलिए उनको सारे के सारे स्कल जो है ना वो सेम लग सकते हैं। और ये एक तरह से एक अप्रोच देखने को मिलेगा
ओलिविया कोलमैन का और निक फ्यूरी का, क्योंकि दोनों अलग अलग तरीके से काम करेंगे। बात करें अगर और एक्टर्स की ना, जैसे कि एमिलिया क्लार्क हो गई, मारिया हिल का कैरेक्टर कोबी स्मल्डर्स हो गई और एवरेट रॉस हो गए, मुझे लगता है कि ये सारे के सारे जो एक्टर्स है ना, ये हमारे निक फ्यूरी की मदद करने वाले हैं और कहीं ना कहीं ये अंडर कवर रह के काम करेंगे। मतलब एक टीम तो होगी जो ओलिविया कोलमैन लीड करेंगी और उसमें सारे के सारे स्कर्स को मारा जाएगा, लेकिन यहां पर इस कॉन्स्पिरेसी को अनफोल्ड करने के लिए शायद निक फ्यूरी अपनी खुद की टास्क फोर्स बना सकते हैं और यही चीज हमें देखने मिलेगी जो सारे के सारे कैरेक्टर है, यानी एमिलिया क्लार्क साथ साथ कोबी स्मल्डर्स और एवरेट रॉस, ये उसकी मदद करते हुए देखने को मिल सकते हैं। जिनको नहीं पता है मैं आपको बता देता हूं, इसके बाद डायरेक्टली इस शो के बाद जो है आर्मर वॉर्स की कहानी शुरू होने वाली है, यानी इस शो के अंदर रोडी का एक बड़ा रोल होने वाला है। तो शुरुआत में तो आपको ऑलरेडी देखने को मिल चुका है कि शायद रोडी जो है इसके अंदर एक हाई रैंकिंग ऑफिशियल बन जाएगा। शायद इसके बाद हमें आर्मर वॉर्स के अंदर पता चलेगा कि भाई रोडी भी शायद एक स्कर्ल था, मेरी Who knows? फिर अगर बात करें इसकी कनेक्शन की द मार्वल्स मूवी से, तो ये बात भी आपको पता होनी चाहिए कि सीक्रेट इन्वेजन की जो कहानी है वो द मार्वल्स से भी जुड़ी हुई है। अब ये कैसे जुड़ी हुई है हमें तो नहीं पता है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि शायद इस शो के अंदर ना, मैं शायद इसलिए बोल रहा हूं ताकि आप कंफ्यूजन ना हो, शायद इस शो के अंदर ना निक फ्यूरी हमें मरते हुए भी देखने को मिल सकते हैं। एक लास्ट शॉट हमें दिखाया जाता है जहां पर हम देख सकते हैं बड़ी उदारी है, निक फ्यूरी अपने लुक के अंदर आ चुके हैं और मुझे लगता है कि ये उनका फाइनल शॉट होने वाला है और उसके बाद जो है इस सीरीज के अंदर उनकी डेथ हो जाएगी। तो हाँ, इट्स गोइंग टू बी लिटिल बिट सैड, बट निक फ्यूरी का जो एक्टर है सैमुअल एल जैक्सन, वो हमेशा इस रोल को प्ले नहीं कर सकते। इसके अलावा इस शो की अगर बात करें तो बहुत ही स्पाई थ्रिलर एक्शन बेस्ड ये शो लग रहा है, मुझे बहुत उम्मीद है शो से, और साथ साथ अगर इसके विजुअल्स देखें ना तो कहीं ना कहीं विंटर सोल्जर की याद दिला रहे हैं, मुझे तो बहुत मजा आने वाला है इस शो को देखने में। अगले साल ये शो आने वाला है एंड आई एम सो मच एक्साइटेड। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। इसके अलावा अभी हमारे पास कोई डिटेल नहीं है क्योंकि ट्रेलर के अंदर भी इतनी सारी चीजें नहीं है जिसके बारे में बात कर सकें, सिर्फ स्पेकुलेशन ही कर सकते हैं। अगर बात करें एमिलिया क्लार्क के कैरेक्टर की ना, तो कुछ लोग बोल रहे हैं गाया होने वाली है, जो कि अगेन एक स्कल की मास्टर हो सकती है या फिर स्कल का प्यादा हो सकती है जिसको खुद ही नहीं पता है कि वो स्कल्स हैं। तो हाँ, ये चीज देखने में मजा बहुत आएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं हूं सचिन, मिलूंगा आपसे अगली वीडियो के अंदर। बाय गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल एंड हैव अ ग्रेट अमेजिंग डे।